नरवर में अतिक्रमण युद्ध स्तर पर प्रशासन पंगु। नरवर एक ओर जहां कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नरवर जिले का अवैध कब्जों का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर के वार्ड नंबर 9 और 11 के अंतर्गत पार वाली माता रोड के दोनों ओर नया तालाब मुबारकपुर शमशान घाट के पास, मोहनी रोड पर बीआरसी ऑफिस फिल्टर प्लांट के सामने और बालक दास आश्रम पोहा तिराहा आदि पर अवैध रूप से होटल ढाबा बनाकर झोपड़िया बनाकर लगभग एक सैकड़ा लोगों ने प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि पर कब्जा कर लिया है और अवैध कब्जे का कार्य अवैध कब्जाधारियों के द्वारा तेज गति से जारी है। नरवर के मामले में कलेक्टर शिवपुरी के अवैध कब्जा हटाने के फरमान सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर शासन प्रशासन और कलेक्टर शिवपुरी से कई बार अवगत कराए जाने के बावजूद नरवर में अतिक्रमण हटाए जाने के स्थान पर तेज गति से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कराव अभियान जारी है। किसी भी अतिक्रमणकारी को मतलब यानी बख्शा नहीं जाएगा, उनका तत्काल अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। सर, ये अतिक्रमण कब तक हटाएगा? कलेक्टर साहब के साथ आदेश है अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नरवर में वो नहीं हो रहा है। नहीं, हम जल्दी से जल्दी हटवा देंगे। अपने लखना ताल पर और अपने छोटे ताल पर पारवाली पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उनको किसी का भी डर और खौफ नहीं है। उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कब तक की जाएगी? नहीं नहीं, हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएंगे। मैं अभी एक दिन गया था वहाँ पे, जाके मैंने एक मकान को तोड़वाया भी था। मैं दलबल के साथ गया था, वहाँ पे तोड़वाया भी था।